हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हाउसकीपिंग गुरु 34। मैं हूं राकेश नाग आपके साथ। सो टुडे वी आर हियर टू लर्न अबाउट वीवीआईपी रूम सेटअप। तो वीवीआईपी रूम कैसे सेटअप करते हैं, उसको क्या सर्विस देते हैं, वो हम लोग आज ये वीडियो में, ये ट्रेनिंग वीडियो क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं। सो ये वीडियो चालू करने से पहले जो जो अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हो, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, तभी जाके अपडेटेड ट्रेनिंग्स वीडियोस आपके यूट्यूब चैनल में जल्दी आ जाएंगे सामने से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग हाउसकीपिंग गुरु 34। तो चलो आज देख लेते हैं जी वी वी आई पी रूम सेटअप कैसे होता है, उसमें क्या क्या हम लोगों को फॉलो करना पड़ता है। जो एक वी वी आई पी रूम में कोई गेस्ट आ रहा है वी वी आई पी, तो उसको रूम में क्या क्या फॉलो करना पड़ता है। वो मेरा एक सब्सक्राइबर, मेरा एक व्यूअर ये कमेंट्स किया था मेरा वीडियो में कि सर मुझे एक वी वी आई पी रूम सर्विस सेटअप देखना है, तो इसके लिए मैं आज ये वीडियो छोड़ रहा हूँ, आप देख लीजिएगा माई फ्रेंड। और साथ में जो जो हाउसकीपिंग में डिपार्टमेंट में होटल में काम करते हो वो लोग भी आप देख लेना, तो आपको इसमें और भी चीज़ आपको जानकारी मिलेगा। सो आज मैं दिखाने जा रहा हूँ वीवीआईपी रूम सर्विस सेटअप कैसे होता है। सो चलो देख लेते प्रैक्टिकली कैसे सेटअप होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या लगाना पड़ता है रूम में, क्या क्या फॉलो करना पड़ता है, वो आपको प्रैक्टिकली मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। चलो देख लेते। सबसे पहले रूम में एंट्री होते ही ये एक स्वीट रूम है, ऐसे जिसमें लिविंग रूम होता है और बेडरूम अलग से और वॉशरूम अलग से है, जिसमें हम लोगों ने ये डाइनिंग चेयर सेटअप दिया हुआ है डाइनिंग टेबल का। इसमें हम लोग रखेंगे फ्रूट बास्केट विथ कटलरीज, फ्रूट बास्केट और कटलरीज एंड प्लेटर्स, ठीक है। सो उसके बाद हम लोग डायरेक्ट जाएंगे यहाँ पे सिटिंग एरिया में। सिटिंग एरिया में हम लोग को देखना है जो सोफ़ा का सेटअप कैसे किया हुआ है, उसमें कोई अच्छे से क्लीनिंग है कि नहीं और रूम में अच्छे से डस्टिंग है कि नहीं, अच्छे से पूरा चेक करने के बाद देखो यहाँ पे जो टेबल है टी टेबल यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं। ये एज़ पर द होटल पॉलिसी होटल एसओपी में है, जो आप में यहाँ पे कोई 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 होटल में कुकीज़ होममेड चॉकलेट्स रखते हैं, तो मैंने वही दिखाया जो एक होममेड चॉकलेट्स होगा और थ्री टाइप्स ऑफ कुकीज रखा हुआ है कोई कोई होटल में, ये होटल के एसओपी के ऊपर डिपेंड करता है। ये हम लोगों ने रख दिया फ्रेशनेस के लिए गेस्ट के। फिर हम लोग डायरेक्ट जाते हैं बेडरूम में। बेडरूम में जाते ही जो ये सबसे है देखिए राइटिंग टेबल सेटअप, ये राइटिंग टेबल का सेटअप है। इसमें राइटिंग टेबल में हम लोगों को हमेशा देखना चाहिए जो चेयर जिस पोजिशन में रखा हुआ है चेयर को वही पोजिशन में रखना है, क्यों गेस्ट को बैठने के लिए इजी पड़े, गेस्ट डायरेक्ट जाके बैठ सकता है। चेयर को कभी भी क्लोज मोड में नहीं रखना चाहिए, जैसे ये ओपन मोड में एक साइड से एंगल करके रखा हुआ है उसी हिसाब से रखेंगे तो गेस्ट को इजीली होगा बैठने के लिए, ठीक है। तो फिर देखेंगे रूम का सेटअप कैसा है, जो अलाइनमेंट्स है रूम्स के, कर्टन्स के, बेडिंग का, फिर बेड साइड टेबल में जो रखा हुआ है सेटअप है पूरा अलाइनमेंट कैसा है, जी एक लाइन से बराबर होना चाहिए जिसको अलाइनमेंट बोलते हैं, जो कोई भी चीज़ साइज़ में इधर उधर सब कुछ सेम होना चाहिए तो उसमें क्या लुक वाइज अच्छा होता है। फिर बेड में आप कोई भी एक बेड में एक सेटिंग आप कर सकते हो डेकोरेशन का, जैसे मान लीजिए कोई डक बनाते हैं, कोई मयूर बनाते हैं, पीकॉक बनाते हैं, कोई लोटस बना हुआ, जैसे इसमें लोटस बनाया हुआ है लोटस, वो अपने होटल में स्टाफ के ऊपर निर्भर करता है वो कैसे उसको सेटअप दे सकता है, ठीक है। बेड रनर को एक साइड से एक मयूर के पंख जैसे बना दिया इसमें, और अलाइनमेंट जो आप देख रहे हो बेड साइड के टेबल पे जो भी सेटअप रखा हुआ है उसका अलाइनमेंट सही होना चाहिए, एक लाइन से बराबर होना चाहिए। फिर बेड के ये जो साइड पर देख रहे हो इसका फोल्डिंग वगैरह सब कुछ, जो पीलो का रखने का तरीका होता है वो सब कुछ सेटअप होना चाहिए। इसके बाद रूम में भी हमेशा फॉलो करना है क्लीनिंग, स्पेशली सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इज़ क्लीनिंग, क्लीनिंग भी सही होना चाहिए, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लीनिंग एंड फ्रेशनेस, रूम के अंदर स्मेल जो आता है फ्रेशनेस वो सही होना चाहिए, तो गेस्ट को एंट्री होते ही गेस्ट को एक फ्रेशनेस मिलना चाहिए जो गेस्ट को वाव बोलने में गेस्ट मजबूर हो जाए, जो नहीं मेरा सर्विस ये होटल का सर्विस अच्छा है, रूम में एंट्री होते ही मेरे को जो फ्रेशनेस मिला या जो सेटअप है रूम का वो बहुत अच्छा लगा गेस्ट को, तो ये बेडरूम का हो गया।
फिर हम लोग धीरे धीरे जाते वॉशरूम की तरफ। वॉशरूम में यहाँ पे साइड पे एक वार्डरोब सेट किया हुआ है, जिसमें लॉन्ड्री बैग, लॉन्ड्री स्लिप रखा जाता है, हैंगर्स रखा जाता है। फिर आपको यहाँ पे देखिए सेफ्टी लॉकर, सेफ्टी लॉकर भी रखा गया है। गेस्ट के कोई भी इम्पोर्टेंट सामान, ज्वेलरीज हो या मनी हो, वो सेटअप रखने के लिए। फिर हम लोग नेक्स्ट लेवल में जाएंगे, नेक्स्ट साइड पे देखेंगे हम लोग क्या क्या रखा हुआ है रूम में। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है आयरन, आयरन बोर्ड एंड बाथरूम, बाथरूम भी रखा हुआ है यहाँ पे। फिर हम लोग जाएंगे डायरेक्ट वॉशरूम की तरफ। वॉशरूम में देखिए, जैसा ये बाथमेट हो गया, बाथमेट को रखा हुआ है। फिर हम लोग डायरेक्ट जाएंगे यहाँ पे वॉशरूम में वॉश बेसिन सेटअप की तरफ। पूरा सेटअप प्रॉपरली, जो एमिनिटीज़ हम लोग प्लेस करते हैं, सप्लाईज एमिनिटीज़, वो प्रॉपरली होना चाहिए। और बाकी इलेक्ट्रिक आइटम्स, लाइट्स वगैरह सब सेम अच्छे से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, उसको देखना है सब कुछ। ये शावर एरिया हो गया, बटअप शावर एरिया में हम लोग जो एमिनिटीज रखते हैं, शावर जेल, शैम्पू वगैरह, ये सब सब सही से है कि नहीं, ये पूरा अच्छे से हमको चेक करने के बाद एक जे सब कुछ में रिफिल और सब वो सही है कि नहीं है, सब में सब नया चेंज किया हुआ है कि नहीं, फिर वो देखने के बाद पूरा सेटअप ऐसे होना चाहिए, सेटअप वीवीआईपी रूम में सेटअप, ठीक है। और सबसे मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है टीवी, टीवी टेलीविज़न, टेलीविज़न का हर चैनल प्रॉपरली वर्क करना है कि, जो टेलीविज़न हम लोग ने यहाँ पे जैसा टेलीफोन रिमोट के साथ जो हम लोग टेलीफोन का डायरेक्टरी रखा हुआ है, जैसे सॉरी टेलीविज़न जो मेन्यू रखा हुआ है, जो कौन सा चैनल क्या है, टेलीविज़न कार्ड जो उसमें सारे चैनल बराबर से आना चाहिए, रिचार्ज है कि नहीं, या सब कुछ बराबर से चेक करने के बाद फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं जी हाँ ओके है सर्विस, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं उसमें और भी क्या क्या चीज़ हम लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, वो आपको मैं डिटेल्स बता दे रहा हूँ, ठीक है। स्टार्ट सो दोस्तों, आप लोगों ने देखा जी वीआईपी रूम के जो सेटअप है वो कैसे होते हैं, रूम के सेटअप। उसमें और भी एक चीज़ है, ये होटल के एसओपी के ऊपर डिपेंड करता है। कोई कोई होटल में मिनी बार रखते, कोई कोई होटल में नहीं रखते। मिनी बार जो अगर रखते हैं तो मिनी बार में भी हर चीज़ रखना पड़ेगा, फ्रिज में जो रहता है मिनी बार फ्रिज में, और ऊपर में जो स्नैक्स बिस्किट्स वगैरह रहता है वो भी प्रॉपर तरीके से रखना पड़ेगा आपको। प्लेसेस, फिर टी कॉफी, एमिनिटीज़ वगैरह सब सेटअप पूरा प्रॉपर तरीके से रखना है आपको वीवीआईपी रूम में, क्योंकि वीवीआईपी रूम का सेटअप हम लोग क्यों बार बार चेक करते हैं, जो उस रूम से कोई भी चीज़ कंप्लेन नहीं होना चाहिए और उसको प्रॉपरली सर्विस देना है वहाँ पे वो रूम में। ऐसे भी हम लोग देखने जाए तो हमारे पास सारे गेस्ट वीवीआईपी होते हैं, फिर उसमें से भी कुछ कुछ जैसे चीफ गेस्ट, कोई भी गेस्ट आते हैं वीआईपी रूम्स, गेस्ट आते हैं तो उसको हम लोग अलग से सर्विस देते हैं वेलकमिंग के लिए, गेस्ट को फील कराने के लिए जे यू आर मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर आस, तो वो फील गेस्ट को कराने के लिए हम लोग सेटअप चेंजेस करते रहते हैं, ठीक है। फिर सबसे मोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, आप रूम में जो भी सप्लाईज, एमिनिटीज, फूड आइटम्स रख रहे हो उसका एक्सपायरी डेट जरूर आपको चेक करना है। एक्सपायरी डेट क्या होता है वो आपको सबको मालूम है, जो पीछे या बॉटल्स में या कोई भी चीज़ में लिखा रहता है जे कितने तारीख से लेके कितने तारीख तक उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो ठीक है वो एक्सपायरी डेट हमेशा चेक करके आपको रखना है। ऐसे भी ओनली फॉर ये रूम के लिए नहीं, जब भी आप रूम क्लीनिंग करो, रूम में सर्विस या सामान रिप्लेसमेंट करो, तो उसमें हमेशा एक्सपायरी डेट चेक करना, हर ईच एंड एवरी आइटम्स का एक्सपायरी डेट चेक करके ही तब प्लेस करना उसको, ठीक है। जैसा वाटर प्लेस किया था, वाटर के बॉटल्स में कभी कभी क्या पैकिंग में भी ओपन वाला बॉटल आ जाते हैं, तो उसमें आपको देखना है जे बॉटल्स ओपन है या सही है कि नहीं, सब कुछ, फिर एक्सपायरी डेट, ये सब चेक करने के बाद प्रॉपरली एक रूम को सेटअप दिया जाता है। प्रॉपर डस्टिंग, प्रॉपर चीज अलाइनमेंट सही होना चाहिए, प्रॉपर सब कुछ सेम सेटअप होना चाहिए। फिर वॉशरूम में क्या क्या चीज़ चेक करना पड़ता है आपको मालूम है, जो भी चीज़ सबसे मेन चीज़ है वाटर, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर सब प्रॉपरली आ रहा है कि नहीं, वाटर का स्पीड लेवल सब सेम है कि नहीं, ड्रेनेज सेम हो रहा है कि नहीं, सब कुछ। और जो वॉश बेसिन सिंक हो गया, फिर ड्रेनेज सिंक हो गया, ड्रेनेज वगैरह उसका सब कुछ प्रॉपरली क्लीन है कि नहीं,
डस्टबिन वगैरह सब चीज ए टू जेड प्रॉपरली चेक करने के बाद ही एक रूम सेटअप को हम लोग ओके करा दे सकते हैं। ठीक है, जैसे वीवीआईपी रूम सेटअप में भी रूम अटेंडेंट रूम को बनाने के बाद सुपरवाइजर्स के द्वारा चेकिंग होते हैं। सुपरवाइजर जब वो रूम को रिलीज करते हैं, फिर आते हैं एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर हो, हाउसकीपिंग मैनेजर हो, वो भी चेक करते हैं, या जो करंट ड्यूटी मैनेजर होते हैं वो ड्यूटी मैनेजर भी एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर के साथ या हाउसकीपिंग मैनेजर के साथ आके वो रूम को चेक करते हैं जो प्रॉपरली वो रूम सेटअप हुआ है कि नहीं। ठीक है, सो ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं जो उनको चेक करने के बाद ही एक वीवीआईपी रूम को हम लोग ओके करार दे के फिर जो गेस्ट जब आते हैं तो गेस्ट को चेकिंग किया जाता है। गेस्ट को चेकिंग करने के टाइम पे गेस्ट के जब एक बेल बॉय साथ में लगेज लेके आते हैं, जो होटल्स में बेल बॉयज होते हैं वो लगेज लेके आते हैं, या साथ में ड्यूटी मैनेजर्स भी आते हैं। आने के बाद रूम में गेस्ट को एंट्री करा के उनको पूरा चीज रूम के बारे में ब्रीफ किया जाता है, जे आपके रूम में ये जगह पे ये सब चीज फैसिलिटीज या सब कुछ रखा हुआ है। सब कुछ दिखाने के बाद गेस्ट को जब बेल बॉय और ड्यूटी मैनेजर जो भी हो आते हैं गेस्ट को रूम तक छोड़ने के लिए, फिर निकलने के टाइम पे गेस्ट को बोलना पड़ता है कि सर आपको टेलीफोन में भी ऑलरेडी डायरेक्ट कॉलिंग का सब कुछ मिल जाएगा, फिर भी आपको अगर कुछ भी चाहिए तो ये है टेलीफोन ऑपरेटर का नंबर, इमरजेंसी नंबर या ये सब जगह का नंबर से, और ये सब चीज़ आप बताने के बाद कुछ भी आपको असिस्ट चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा प्लीज़। तो बोलने के बाद वो लोग रूम से बाहर जाते हैं, तो एक गेस्ट का चेक इन हो गया। ठीक है, सो ये है वीआईपी रूम का सेटअप और वीआईपी रूम को गेस्ट को कैसे चेक इन कराया जाता है। ठीक है, चेक इन कराने के लिए जैसे रिसेप्शन में जो जो चीज़ फॉलो होता है मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में कोई अलग वीडियो में आपको बता दूंगा। जो एक गेस्ट को या कोई वीआईपी गेस्ट हो या कोई भी गेस्ट को चेक इन करने के टाइम पे क्या क्या प्रोसेस होता है, चेक इन प्रोसेस, और उसमें क्या क्या चीज़ फॉलो करना पड़ता है और गेस्ट को क्या क्या इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है होटल के बारे में, वो जस्ट आपको नेक्स्ट कोई वीडियो में आपको बता दूंगा। तो उससे भी आपको आइडिया होगा चेक इन के टाइम पे गेस्ट को कैसा ब्रीफ करना पड़ता है गेस्ट को। ठीक है, सो ये हुआ आज के वीवीआईपी रूम सेटअप। तो आपको वीवीआईपी रूम सेटअप लेके और भी कुछ क्वेरीज है या कुछ भी है आप मुझे कमेंट्स में भी कमेंट्स कर सकते हो, नहीं तो आप मुझे मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है उसमें आप डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो, तो आपको मैं जरूर रिस्पॉन्स करूंगा। मेरा कोई भी कमेंट्स या कोई भी मेल आए तो उसको मैं रिस्पॉन्स जरूर करता हूँ, क्योंकि मेरे व्यूअर्स मेरे सब्सक्राइबर्स जो है वही मेरे लिए सब कुछ है। तो आप मैं ट्रेनिंग देता हूँ इसका मतलब नहीं है मैं जस्ट सब कुछ हूँ, आपके थ्रू आपके लिए ही मैं हूँ। तो आपके कमेंट्स बहुत मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंस होते हैं हमारे लिए। कभी कभी कमेंट्स आते हैं मेरे वीडियो में जी ये चीज़ ऐसे होना चाहिए वो चीज़, तो ऑलवेज वेलकम हर चीज़ के लिए। ठीक है, सो मेरे वीडियोस मेरे ट्रेनिंग्स कैसे लगते हैं जरूर मुझे बताइएगा आपके कमेंट्स के थ्रू या मेल कर दीजिएगा मुझे, और कोई भी एसेस चाहिए कोई भी ट्रेनिंग वीडियो आपको देखना है तो मुझे मेल जरूर करना, तो मैं आपको वो सारे चीज़ मैं आपको ट्रेनिंग के थ्रू बता दूंगा और आपको मेल भी करूंगा, कोई बात नहीं। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट कोई ट्रेनिंग टॉपिक नेक्स्ट कोई ट्रेनिंग वीडियो में लेके, और आज के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग हाउसकीपिंग गुरु 34।